हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू, आज 63 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको करेंगे। इसके अंदर एक नया पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन में कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो अपनी कैपिटल ब्रिंग नहीं कर रहा, वो खुद फाइंड आउट हमें करनी होगी। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा ऑन 31st March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है अभीर और दिव्या की। क्रेडिटर बता रखे इट इज लायबिलिटी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बड़े ध्यान से देखना, इसके सामने आप देखो इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 lakh rupees की, तो उसकी बुक वैल्यू दिखा रखी है। जो बैलेंस शीट में शो है इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 4,40,000। तो 60,000 से तो एक इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, बट क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट में फंड बना रखा है तो इसको फंड के साथ एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेंगे। नंबर दो जनरल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1st April 2017 फॉर 1/5 शेयर। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। विभोर 80,000 तो प्रीमियम ला रहा है अपने शेयर का। नंबर दो स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20। आजकल बड़े अच्छे ट्रेंड में ये पॉइंट चल रहा है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने ज़्यादा दिखा रखा है वो कम। अंडर वैल्यूड का मतलब है वो है तो ज़्यादा लेकिन आपने उसको कम दिखा रखा है। तो यहां पर स्टॉक हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि बुक में हमने ज्यादा दिखा रखा है, जबकि वो अपनी वैल्यू से 20,000 ओवर शो कर रखा है। नेक्स्ट ये सी पॉइंट भी अच्छी तरह से नोट करना। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ, यानी कि ये वाले डेटर नहीं है जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। कहता है कोई हमारे डेटर थे पास्ट में जो हमने अपनी बुक में से रिकॉर्ड में से रिटर्न ऑफ कर दिए थे। एज बैड डेट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, और अब उन्होंने हमें 4,000 पेड कर दिया। इट इज बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट डी पॉइंट है 2 month सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। बता रहा है 2 month की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन की डेबिट में। ई पॉइंट आ रहा है विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसमें यही एक अच्छा पॉइंट है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि हमें रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। ये एक्सपेंस और लॉसेज वाली साइड है, वो इनकम और गेन वाली साइड है क्रेडिट। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम भी नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेचर पूछ ले तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन ही होती है उसमें जो भी डेबिट साइड में शो हो रहे होंगे वो एक्सपेंसेस या लॉसेज है, और क्रेडिट में जो शो हो रहे होंगे वो इनकम या गेन है। अब एक एक पॉइंट को करते हैं डिस्कस। अब पहले पॉइंट पे आओ, पहले पॉइंट का रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं। स्टॉक वॉज ओवरवैल्यूड, आपने ज्यादा दिखा रखा है स्टॉक, तो हमारे लिए देखो लॉस है एक तरीके का, क्योंकि हमारा स्टॉक बुक में तो ज्यादा है लेकिन मार्केट में वो कम का है। तो यहां दिखा दो, यानी कि स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये समझ लो। कितने का दिखा रखा है लिख दो 20,000। ये समझ आया क्यों लिया मैंने यहां, क्योंकि स्टॉक बुक में ज्यादा है लेकिन आज वो कम हो गया तो डिक्रीज होगा, तो इधर दिखाएंगे असेट्स, ये भी बता रखा आपको। सी पॉइंट पे लिखा है डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमारे 5,000 के कोई बैड डेट हो गए थे पास्ट में बुक में से और रिकॉर्ड में से रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी कि रिकॉर्ड में नहीं है डेटर, बट नाउ दे आर पेइंग 4,000। आज हमें 4,000 मिले, इट इज द इनकम। या लिखो उसको, और यहां हेडिंग क्या डालोगे बैंक लिखना, आप कैश भी लिख सकते हो। या लिखो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट है 4,000। क्यों लिखा हमने बैंक, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उन्होंने पे कर दिया। ये जीरो अच्छी तरह बता दो, ये रहा, क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे चलो। अगला पॉइंट आ रहा है 2 month सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग, इट इज द एक्सपेंसिज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। या लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना अमाउंट दे रखा है ₹6,000 पर मंथ, और कह रहा है 2 month की आउटस्टैंडिंग है तो हमें पे ऑफ करनी है, हमारे लिए क्या बन गया एक एक्सपेंस, इधर आ जाएगा। यहाँ टोटल करो इसका, टोटल करते हो तो देखो ये वाली साइड तो ज्यादा बन रही है और वो कम बन रही है, जो बड़ी है वो लिख दो 32,000 आ रहा है, लिख दो 32। कितना लॉस निकल के आ रहा है, उधर की तरफ लॉस निकलता है, वैसे भी लॉजिक लगाओ।
ये एक्सपेंस लॉस वाली साइड है, इतनी हो गई 32, इनकम में खाली 4000 हुए, तो ओवरऑल तो 28 का लॉस हुआ, वो यहां दिखा देते हैं। यहां लिख दो भाई लॉस ट्रांसफर टू 8000, कैसे आया ये रहा 32000 माइनस 4000, 28 का लॉस है। और ये ट्रांसफर कहां कर रहे हैं, दोनों ओल्ड पार्टनर में, क्या लिख दो उनके नाम, एक का दे रखा है अभीर और दिव्या, तो अभीर, अभीर कैपिटल अकाउंट, दूसरा लिखो दिव्या कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है यहाँ, उनकी रेशियो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो 3:1 लिख दो, कैसे 28 × 3/4 कहाँ से आया 4, इन दोनों का सम, ये तो आएगा 21000 तो इसको अभीर को, और 28 × 1/4 ये बन गया 7000, ये किसको जाएगा दिव्या को, ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, देखो चार कॉलम इधर खोल दो, जितने पार्टनर हो उतने कॉलम और एक पर्टिकुलर, टोटल चार कॉलम सेम उधर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब जरा शुरुआत कैसे करते हैं वो देखो, सबसे पहले जो भी अकाउंट बनाएंगे यदि वो बैलेंस शीट में उनके बैलेंस है तो पहले बैलेंस भी लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाए या डेबिट साइड ये नोट करो, असेट्स के बैलेंस होंगे तो वो डेबिट साइड आएंगे याद रखना, और लाइबिलिटी में जो बैलेंस शो है इट इज द क्रेडिट बैलेंस, और जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसको फोकस करते हैं बैलेंस शीट में किधर है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो उसके बैलेंस कौन से होते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सबसे पहले लिख दो भाई बैलेंस बीडी, हर स्टेप को सोच के लिखो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, नोट करना, यदि लेट करो यही बैलेंस आपको जो एसेट्स में दे दे किसी पार्टनर का तब इधर आएगा, ध्यान रखना हमेशा इधर नहीं आएगा। और दूसरा तरीका आपको बताता हूं, वैसे तो कॉन्सेप्ट पे चलो, कॉन्सेप्ट ये बोलती है लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, वरना क्रॉस करके लिखते हैं बैलेंस शीट में, नोट करो कौन सी साइड दिखा रखी है आपको कैपिटल के बैलेंस चेंज, लेफ्ट हैंड साइड, जब हम इधर चलते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड ये है, ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं जो जो बैलेंस शीट में आइटम होगी, कोई असेट साइड की होगी तो वो इधर लिखी जाएगी डेबिट, ऐसे भी तरीका है, हर मतलब हर बच्चे के लिए है भाई, किसी को ये ना समझ आए डेबिट बैलेंस क्रेडिट तब वो अप्लाई करो, वर्क कॉन्सेप्ट पे चलो, कॉन्सेप्ट क्या है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, बैलेंस लिखो 6 लाख और 4 लाख ये लो। अब बैलेंस शीट से ही चलेंगे, जो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है कौन कौन सी हो सकती है आपको बता रखा है, पी एंड एल हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कभी कभार कंटिजेंसी रिजर्व, इन पांच में से चेक करो कौन से दे रखे हैं, खाली दो दे रखे हैं, एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में दिखा रखा है तो इधर आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले तो लिख दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये कैसे करेंगे, पहले असेट्स में देखेंगे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस तो नहीं हुई, हमने फंड बना रखा था 1 लाख रुपए का लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट 60,000 से डिक्रीज हो गई, अच्छी तरह से नोट करो 5 लाख की बुक वैल्यू दिखा रखी है लेकिन ब्रैकेट में दिखा दिया वो 440 की रह गई मार्केट में, तो 60 से कम हो गई, तो हम उस फंड को यहां से उस लॉस को यहां से एडजस्ट कर देंगे 60 को, और पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बस 40,000, तो एक का तो आ गया 30, बहुत अच्छा पॉइंट है नोट कर लेना ये, लेट करो हमारी मार्केट वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, पूरी उतने की है जितनी दिखा रखी है 5 लाख, तब ये पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अच्छा ज्यादा हो जाए तब भी 1 लाख हो जाएगा, लेट करो कम हुआ जैसे इस केस में तो हम क्या करेंगे फिर पार्टनर को कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि 60 का लॉस हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ एडजस्ट कर दिया, इसी के लिए बनाया था ये। अब आगे चलो, अब आ रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, लिख दो जनरल रिजर्व कितना दिखा रखा है, और ये भी नोट करना कौन सी रेशियो में है, ये 3:1 था ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 1,20,000, ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, एक का 90,000 एक का 30,000, ये आप खुद कर लेना 1,20,000 × 3/4 120 × 1/4 ऐसे आएगा। अच्छा जितनी भी आइटम है सारी की सारी ओल्ड पार्टनर को मिलती है, न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा ध्यान रख लेना, न्यू पार्टनर तो खाली कैपिटल ब्रिंग करता है बस, नेक्स्ट इधर से कुछ नहीं है। अब असेट साइड से देखो कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट था रिवैल्यूएशन लॉस का, सबसे पहले वो लिखो, यहाँ लिखो टू रिवैल्यूएशन, आपको याद है वो क्रेडिट साइड आया हुआ था, हमने इधर क्यों लिखा, ये लॉस था, और एक का आया था 21,000, दिव्या का था 7,000 नोट करो। अब आगे चलते हैं प्रीमियम लेके आया था, देखो 80,000 लिखा हुआ है पहला पॉइंट, वो प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन पार्टनर में, लिख दो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल,
अच्छा इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगी, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी बन गई इस क्वेश्चन में 3:1। क्यों आएगी? क्योंकि जो ओल्ड न्यू पार्टनर का शेयर है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल मेथड हो गया। सिंपल मेथड में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर आएगी? ओल्ड रेशियो के। तो ओल्ड कितनी थी? 3:1, तो सैक्रिफाइस भी 3:1। ये फिर भी वर्किंग में आप कैलकुलेट करके दिखा देना। कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है? एक को 60 आएगी, एक को आएगी 20,000। कहां से आई? टोटल प्रीमियम लाया 80,000। अच्छी तरह से बुक में देख लो, 80 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक का बनेगा 60 और एक का बनेगा 40। तो पॉइंट हो गए जो पार्टनर्स को जाने थे। अब क्या है कि हमें एक पॉइंट निकालना है बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब जो वो कैपिटल नया नया पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी है, वो वर्किंग में निकलेगी। मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, ये बैंक अकाउंट आपको दिखाना होगा। इसमें किस लिए दिखाना होगा? इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट कैसे होगी? पहले इनके अकाउंट क्लोज होंगे, उसके बाद फाइंड आउट होगी वर्किंग्स में। पहले इनके क्लोज करके बैलेंस शीट निकालते हैं। देखो इधर का टोटल करते हो तो 90 और 90, ये तो बन गया 7,80,000 लिख दो। इधर का बन गया आपका 4,60,000 लिख दो। चलो जी ये अभी छोड़ देंगे ऐसे ही, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इधर आ जाओ, ये तो 7,80,000 और ये बना आपका 4,60,000। अच्छा इसमें से माइनस करते हो तो ये बैलेंस सी डी आ गया, नोट करो 4,53,000। तो एक बैलेंस सी डी एक पार्टनर का। इसमें से ये माइनस करते हो तो 7,59,000 आ गया, नोट करना इट इज़ द बैलेंस सी डी। ये तो दो पार्टनर की हमने निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि अब इसके बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए कि न्यू पार्टनर की कैपिटल ना दियो, आप नॉर्मल क्वेश्चन करो और नॉर्मल क्वेश्चन करके जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कैरी डाउन बैलेंस निकाल लो, यानी कि उसको पूरा क्लोज कर दो। अब आओ वर्किंग पे कैसे बनेगी उसकी, यहां आ जाओ वर्किंग नोट्स, ये रहा। चलो जी अब इन दोनों की कैपिटल को बेस बनाकर हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनाएंगे। कैसे बनती है वो देखो आपको बताता हूं। यहां लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनेगी ये कैसे बनती है ये देखो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर लिख लो और इनटू कर दो इसको रेसिप्रोकल ऑफ देयर लिखना है। यहां पर आपने ये क्लियर हुआ, यहां पर आपने दोनों की कैपिटल लिखनी है, नोट करो। ये जो आई एडजस्टेड इसीलिए वर्ड लिख दिया, ये वाली कैपिटल नहीं लिखनी, याद रखना। पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा ओल्ड पार्टनर का, जो बैलेंस सी डी आएगा वो बेस बनेगा, इनटू इन दोनों पार्टनर का शेयर। इन दोनों पार्टनर का शेयर कितना है देखो, ये रहा टोटल शेयर था मान के चलो 1 और न्यू पार्टनर ले गया 1/5, तो इन दोनों का शेयर कितना रह गया 4/5। याद रख लेना ये किस किस का शेयर है, शेयर ऑफ अबीर और दिव्या। ये क्लियर हो गया भाई? टोटल यदि हम 1 मान के चले, न्यू पार्टनर विभोर आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए, तो ये 4/5 किसका शेयर रह गया, ये इनका शेयर रह गया अबीर और दिव्या का, इक्वल टू कर लो। क्लियर है? अब जरा चेक करते हैं हमने क्या लिखा है, या दोनों की कैपिटल लिखी। दोनों की कैपिटल लिखते हो तो एक की तो बनती है 7,53,000 लिख लो और दूसरे की बनती है 4,53,000 और इनटू करो उनके शेयर को रेसिप्रोकल। उनका शेयर कितना दिखाया आपको 4/5। यदि हम इसको, क्योंकि ये कैपिटल इसके इक्वल है, हमें टोटल चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, टोटल आ जाएगी, करो 5/4। अब इसको यदि आप टोटल करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो तो बनता है 12,12,000, नोट करना, इनटू 5/4 करोगे तो 15,15,000 आ जाएगी। ध्यान रख लेना ये टोटल कैपिटल आ गई, याद रख लो तीनों की कैपिटल आ गई, तीनों पार्टनर की। अब इसमें विभोर का शेयर निकल गया, टोटल कैपिटल लिखो कितनी आई 15,15,000 विभोर के शेयर, क्योंकि ये तीनों की कैपिटल है, ध्यान रखना। एक रास्ता तो ये है, इन तीनों, ये तीनों की कैपिटल निकाली, उन दोनों की कैपिटल थी 12,12,000, तो माइनस कर दो तब आ गई, वरना टोटल को मल्टीप्लाई कर दो विभोर के शेयर से। विभोर का शेयर कितना है 1/5 करो, बनोगे तो 3,03,000 आ जाएगी। ये क्या चीज आ गई, उसकी कैपिटल जो यहां पुट करनी है, यही तो फाइंड आउट करनी थी इसमें हमें। लिख दो यहां पर 3,03,000, अब इसके सामने लिख दो 3,03,000, ये निकाल लिया। ये था इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया कैसे कैपिटल फाइंड आउट है, सीधा लॉजिक है। पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ ओल्ड पार्टनर के, उनका बैलेंस शीट निकाल लाओ,
यहां तक पहुंच गए। उसके बाद एक फार्मूला लिख दो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ये कैसे बनती है, दो की कैपिटल लो जो दो पार्टनर दे रखे हैं ओल्ड, तीन होंगे तो तीनों लेंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल और उनके शेयर से रेसिप्रोकल कर दो। उनका शेयर कैसे निकलता है, टोटल शेयर रहा मान लो वन, माइनस करो उसमें से वन फिफ्थ जो न्यू पार्टनर का शेयर है, तो बचा हुआ शेयर किसका है, इन्हीं का, इनके शेयर को रिवर्स कर दो, ये आ गया, तो क्या चीज बन जाएगी, टोटल कैपिटल। अब टोटल में न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, वरना टोटल में से इन दोनों की कैपिटल माइनस करो 12,12,000, तब भी इतनी आएगी। ये चीज क्लियर हुआ। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। दो साइड है बैलेंस शीट में, बीच में डेबिट क्रेडिट नहीं है, लायबिलिटी और असेट्स, किसी भी साइड से स्टार्ट करो। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं देखो लायबिलिटी से, क्रेडिटर्स दे रखा है, ये चेक करना क्या उसके बारे में कोई चेंज है, चेंज है तो चेंज करके दिखा देना, वरना एज इट इज दिखा दो। सबसे पहले क्रेडिटर दे रखा है लिख दो, मैं असेट से भी शुरुआत कर सकता था, याद रख लेना, ये जरूरी नहीं है हमें लायबिलिटी से ही शुरू करना हो। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो 2,20,000। काफी आसान है बैलेंस शीट बनानी, और ऑर्डर भी स्किप नहीं करना। अच्छा, सेकंड पॉइंट नोट करो, इसमें क्या है, हमसे मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांस है। लिखा है इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, और जैसे ही स्टूडेंट पीछे देखता है फंड तो समझता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इट इज ए लायबिलिटी, याद रख लेना, इंप्लॉई के अगेंस्ट, ये क्रेडिटर की तरह ही रहेंगे, ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो लिखा जाएगा इंप्लॉई सेविंग बैंक अकाउंट, कभी लिखा जाएगा इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो ये दोनों के दोनों कभी वर्ड आए तो इट इज ए लायबिलिटी। यहां लिख दो इसको इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, अमाउंट दे रखा है 1,00,000, लिख दो 1,00,000। चलो जी आगे चलते हैं, अगला दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इस पॉइंट पे आना, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, क्यों, वो कैपिटल में मर्ज हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आएगा नहीं। उसके बाद कैपिटल लिखते हैं तीनों की, यहां कैपिटल अकाउंट से लिख दो, एक तो आपके पास था अभीर है दिव्या, लिखते जाओ जो जो पार्टनर है, और एक नया पार्टनर आया था विभोर, तीनों की कैपिटल लिखो। अभीर की कैपिटल तो थी 7,59,000, दिव्या की कैपिटल थी 4,53,000, और जो न्यू पार्टनर आया था 3,03,000। नोट करो जो अभी कैलकुलेट करी हमने, ये क्लियर हुआ। ये तो लायबिलिटी साइड हो गई, अब चलते हैं असेट साइड। यहां लिखो सबसे पहले कैश एट बैंक, और इसको थोड़ा सा देख के करेंगे, इतना दिखा रखा है डायरेक्ट मत लिखना, 1,40,000 ये रहा, 7,140 ओल्ड फर्म के पास है, न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाया है और प्रीमियम भी, वो भी इसी में ऐड करो 3,03,000, चलो, और प्लस 80,000। और एक नया पॉइंट और याद करो, जो आपने वहां पर लिखा था याद करो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट, जो बैड डेट रिकवर्ड हुए थे, वो भी क्योंकि पैसे उसने दे दिए थे 4,000, बैंक में ऐड हो जाएंगे, सबको कर दो, करोगे तो 5,27,000 आ जाएगा, ये लिख दो। अब नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद दे रखा है डेटर्स, डेटर के पॉइंट पे आओ, डेटर के बारे में नीचे चेक करो कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे एज इट इज कॉपी करके, ये रहा 650 माइनस करो डाउटफुल डेट, कितने दिखा रखे हैं डाउटफुल डेट आपको 50, तो ये तो आ गया आपका कितना 6,00,000, लिख दो 6,00,000, ये क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं था, चेंज है आपका स्टॉक में और सैलरी में, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। अच्छा, जो आपके बैड डेट से रिकवर्ड हुए थे वो तो इसमें आ गई। अब अगला पॉइंट आ रहा है स्टॉक का, ही आ गया, लिखो स्टॉक, स्टॉक कितना दिखा रखा है हमें 3,00,000, लिख लो 3,00,000, और स्टॉक के बारे में बता रखा है कि स्टॉक आपका ओवरवैल्यूड था 20,000 से, माइनस करो इसमें से 20, रियल वैल्यू उसकी 2,80,000 है, ये लिख दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है आपको 5,00,000, लेकिन वो कितने की रह गई 440, तो 440 करो यहां पर जितने की है वो, ज्यादा की हो जाएगी तो ज्यादा की दिखाएंगे, कम की हो गई तो कम की दिखाएंगे, ये क्लियर हुआ। ये तो अभी हमने बैलेंस शीट से अमाउंटों को लिखा, अब नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं कौन सी आइटम इग्नोर रह गई। अभी देखो विभोर कैपिटल लेके आया, प्रीमियम लेके आया था 80,000, वो दो जगह चला गया, हर आइटम नीचे वाली दो जगह जाएगी। 80,000 तो चला गया था आप याद करो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और 80,000 आ गया ये रहा, ऐसे भी चेक कर लिया करो। नंबर दो देखो, स्टॉक ओवर वैल्यूड था, दो जगह चला गया 20, एडजस्टमेंट है इसलिए डबल इफेक्ट हो रहे हैं इनके, 20,000 एक हमने यहां से माइनस कर दिया, एक रिवैल्यूएशन की डेबिट में ले लिया था। उसके बाद एक डेटर का पॉइंट था जो रिटर्न ऑफ हो गए थे 5,000 के, लेकिन उन्होंने 4,000 पे किया, वो भी दो जगह आ गया, एक देखो ये रहा 4,000 और एक आपने रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में।
टू मंथ सैलरी एक ही जगह इफेक्ट हुआ है अभी, रिवैल्यूएशन की कहां पर गई थी, डेबिट साइड। इट इज ए लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, यहां देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी अमाउंट बनती है 12,000, कैसे बनी 6,000 पर मंथ दिखा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 मंथ की आउटस्टैंडिंग रह गई, तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट के अंदर आ रहा है वो कैपिटल आया, वो भी दो ही जगह चली गई जो हमें पता नहीं चली। कैपिटल की क्रेडिट साइड दिखाई हमने और उसके बाद ये देखो कैश में ऐड कर दी, क्लियर है। अब इसका टोटल करते हैं तो इधर का करो टोटल, लास्ट में फोर्थ स्टेप पे 7, लास्ट में तो 7 लिख दो, ये आ गया। उसके बाद इधर करो 2 और 10 14 हो गया, 1 कैरी हो गया 12 और 6 18 लाख 47 तो एक साइड का आ गया। अब इधर का भी ले लो, यहां से फोर्थ स्टेप से सीधा 9 और 3 12 और 5 कितना हो गया 17, चलो जी 1 कैरी हो गया। फिफ्थ पे आओ 3 और 13 14, चलो 1 कैरी हो गया। उसके बाद फिर आपका 4 और 11 कितना हो गया 15 और 3 18, चलो जी 18 दोनों साइडें मैच कर गई, देखो यारी। चलो भैया आज हमारा अब ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे नए पॉइंट आए थे। एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट का आया था कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई, एक पॉइंट आया था बैड डेट रिकवर्ड, वो पॉइंट सीख लिया। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट थी इसमें, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी थी, वो निकालनी पड़ी हमें, तो वो वर्किंग में निकालनी होगी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर, उनके एडजस्टेड कैपिटल को और उनके शेयर से रेसिप्रोकल करके। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।